नशीली दवाओं और हत्या जैसे अपराधों वाले माहौल में क्लेटन यानिके को किशोर के रूप में बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन डांस ने सब कुछ बदल दिया। डांसिंग मेरे लिए सिर्फ डांस नहीं, ये मेरे लिए पूरी जिंदगी है। मेरे भीतर जो लय है वो मुझे मेरे दिल से जोड़ती है। अपने दिल से जो महसूस करता हूँ वही दुनिया के सामने पेश करता हूँ। केप टाउन में एलसीज नदी के पास पलना बढ़ना आसान नहीं था, तो क्लेटन खुद को बदमाशों के गैंग, हिंसा और नशे के चक्कर से कैसे बचा पाए? 15 साल की उम्र में मैं दोस्तों के साथ खूब खाता पीता मौज करता था। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं बहुत आलसी था। उसी साल मैं 10वीं में फेल हो गया। 16 की उम्र में बच्चा भी पैदा कर लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब एक बच्चा भी हूँ और पिता भी। बड़ा ही मुश्किल था। मैंने फैसला कर लिया अपनी चाल ढाल बदलूंगा, फिर से स्कूल जाऊंगा, पढ़ने में और मेहनत करूंगा। लेकिन क्लेटन पर अब कमाने की जिम्मेदारी भी थी, तो उन्होंने क्या किया? मैंने खुद से बाल काटना सीख लिया था ताकि स्कूल के बाद कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो। अपनी बेटी के लिए मैंने पैसा कमाया। मेरी बेटी ही मेरा लक्ष्य बन गई। मेरी आंखें खुल गईं और मैं बेहतर इंसान बन गया। जिस साल उनकी बेटी पैदा हुई, क्लेटन को कंटेम्प्रेरी डांस के बारे में पता चला। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने 3 साल तक क्लीनर के रूप में काम किया। फिर उनके डांस टीचर ने उन्हें एक नई डांस कंपनी में ऑडिशन देने को कहा। शुरू में वो तना हुआ था, फिर उसने कड़ी मेहनत की। उसका शरीर डांस को समझता है, वो देखना सुंदर है। मुझे पक्का यकीन है कि वो जल्द ही सोलो डांस करने लगेगा। उसमें उत्साह और जोश है, ये चीज मुझे पसंद है। 30 साल तक पेशेवर डांसर रहने के बाद 2022 में सुबो ने मुसीबत में फंसे युवाओं के लिए सुबोन डाबा डांस शुरू किया। आप छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, पतले हैं, आपके पास सीखने का कोई और ठौर ठिकाना नहीं है या पढ़ाई का पैसा नहीं, पर डांस का जज्बा है, तो ये जगह आपकी है। सुबोन डाबा डांस आपके लिए है। मैं सिर्फ उन्हें सिखाती हूँ जिन्हें यही करियर बनाना है। यहाँ आप बड़े सपने देखते हैं, कोई सीमा नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य और तालमेल के अलावा इस डांस के लिए और क्या चाहिए? शरीर को हरकत में लाने से पहले आप जहन में ही वो कर लेते हैं। अगर आप मूवमेंट से डर गए तो नहीं कर पाएंगे और गति गंवा देंगे। अगर दिल सही जगह पर नहीं है तो आप डांस नहीं कर सकते, आप चोट खा बैठेंगे। आपको देखते हुए मैं उड़ रही हूँ, ऊपर की ओर जा रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे आप पर पहले से भरोसा है। हम लोग वाकई बहुत मेहनत करते हैं। वे कहते हैं शरीर दुखता है, हर चीज दुखती है, वे रुक जाना चाहते हैं। फिर मैं कहती हूँ डरो मत, उठो, खुद को तैयार करो और कहो मैं आखिर तक करूँगा, मैं ये हासिल करके रहूँगा। मेरे लिए वो माँ जैसी हैं, क्योंकि वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह देती हैं, क्या करें क्या ना करें। मैं रोज उनके आसपास ही रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ डांस ही नहीं, अभिनय भी सीख रहा हूँ, अलग अलग लोगों के साथ काम करना सीख रहा हूँ, कोरियोग्राफी भी सीख रहा हूँ। ये कलाकार डांसर के रूप में अपना टैलेंट निखार रहे हैं। वर्कशॉप में हम अपने गाने खुद कंपोज करते हैं, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं। ये डांसर ये सब सीख कर निकलेंगे, वे एक मुकम्मल कंपनी के लिए तैयार हैं, कहीं भी जाकर सिखा सकते हैं। इन कलाकारों ने 2023 में नीदरलैंड्स में हुए एफ्रो वाइब्स फेस्टिवल में एक परफॉर्मेंस दी। इसमें मूल निवासियों पर उपनिवेशीकरण के असर को दिखाया गया। कहानी खोइसान मूल निवासियों के बारे में थी। वो गुलामी और रंगभेद का दौर था, लोगों की जमीनें छीन ली गई थीं, वे असहाय थे। मैं भी खोइसान समुदाय से हूँ, उन पर जो गुजरी वो दिखाते हुए मुझे गर्व हुआ। उस रात लोग सिसकियां ले रहे थे और आंसू पोछ रहे थे, अतीत में जो हुआ उसकी ग्लानी वे ढोते आ रहे हैं। मेरे लिए ये सब काफी भावनात्मक था। मुझे ये भी समझ आया कि अपने इतिहास की दास्तान सुनाने का हमारा काम सही है। एलसीज नदी के पास अपने घर में क्लेटन मोहल्ले के बच्चों को अपना डांस दिखाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें बस ऊर्जा चाहिए, वे पूरा जोशो खरोश चाहते हैं,
मैं उन्हें पसंद आने वाली चीज़ें करता हूँ। उन्हें बी बोइंग पसंद है, हिप हॉप पसंद है, उनके पास और मौके नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि वे बदमाशों के चक्कर में ना फंसें या गलत काम ना करें। मैं उन्हें एक सलाह दूंगा, सभी बच्चों के लिए मेरा घर खुला है, जब आना चाहें आएं, जो मन करे खेले कूदें, अपना ही घर समझें, ऐसी जगह जहाँ उनके लिए प्यार है और जहाँ वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्लेटन की कहानी दिखाती है कि डांस कैसे जिंदगियां बदल सकता है।